इंदौर की खबर के साथ एसआर कंपाउंड में भीषण आग लग गई है। बस बॉडी बिल्डिंग के गोदाम में आग लगी है। कई किलोमीटर दूर से आग नजर आ रहा है और अंदर से ही ब्लास्ट की आवाज आ रही है। आग पर काबू पाने का प्रयास चल रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एसआर कंपाउंड में आग लगी है। यहाँ पर जो बसेस होती हैं उनकी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनको यहाँ बनाया जाता है और कई तरह के काम यहाँ होते हैं, वेल्डिंग के काम होते हैं। गोदाम में इसकी काफ़ी भयानक आग लग गई है। कई किलोमीटर दूर से आग नज़र आ रहा है और अंदर से ही ब्लास्ट की कई आवाज़ें आ रही हैं। इससे ही समझा जा सकता है कि किसी का अंदर जाना अभी खतरे से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। हालांकि अब तक तो यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इंदौर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, आग लगने की तस्वीर देखिए। नुकसान का तो अभी आकलन भी नहीं किया जा सकता कि नुकसान कितना हुआ होगा। अंदर से ब्लास्ट की आवाज़ लगातार आ रही है। फिलहाल आग पर और आग बुझाने के प्रयास में लगातार काम चल रहा है। इंदौर से तस्वीर, और अभी आग पर पूरे तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। इंदौर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से गोडाउन में भयानक आग लग गई है। नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है लेकिन आसपास के लोग लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंदर से कुछ ब्लास्ट होने की आवाज़ भी आ रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गोडाउन की है इंदौर के। मिथिलेश हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है, कितना नुकसान हुआ है, आग कैसे लगी है, क्या कुछ पता चल सका? देखिए, अभी तक बात सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, इस तरीके की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। अभी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आग की वजह क्या थी। जहां पर ये आग लगी है यहां पे बस का जो डिजाइन है वो तैयार किया जाता था, यानी जो बस की बॉडी है वो बनाई जाए यहाँ पे जाती थी। और यहाँ पर भीषण आग लगी है और लगभग करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। आग भीषण है और जो पूरी बॉडी है, जो कई सारी बॉडियां बनकर तैयार हो चुकी थी, कई सारी बसों की बॉडियों का काम चल रहा था, जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। जो धुएं का गुब्बार है वो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। आसपास के क्षेत्र में काफी धुआं भरा हुआ है जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि करीब एक से डेढ़ घंटे का वक्त लग गया था फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में, जिसके वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते देखते वहां की रखी हुई बॉडियां जलकर खाक हो गई। फिलहाल अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर थोड़ी देर में आग नहीं बुझेगी तो फिर फोक का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, फोम का जो इस्तेमाल है वो करके फिर इसे बुझाने का, केमिकल यानी केमिकल का इस्तेमाल करके आपको बुझाया जाएगा। लेकिन जहां पर ये आग लगी है ये पूरा एसआर कंपाउंड है, इंडस्ट्रीज बेल्ट कहलाता है मांगलिया का। यहाँ पे कई सारे डिपोज हैं, कई सारे आसपास में इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, कई बड़े बड़े शॉप हैं यहाँ पर। तो एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को और बुला लिया गया, लगातार टैंकर आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यह भीषण आगजनी की घटना हुई है और आग की वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है, दमकल की गाड़ियां मौके पे मौजूद, तो बाद में ही पता चल सकेगा कि नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बस के पार्ट्स हैं उनका गोडाउन था उसमें आग लगी है और कई सारे जो बस के पार्ट्स हैं जो आधे से ज्यादा बनकर तैयार हो चुके थे उनमें भी आग लग गई है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए।